तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो चेक कर लेना चाहिए क्या जा रहा है। मतलब लालच जो चीज़ होती है ना, एक पैसा ही पैसा होगा, ऐसा नहीं कि लास्ट में बोल दें कि सीरियस। लेकिन पार्सल आया, इतनी खुशी। और पार्सल के अंदर क्या निकला वो आप खुद ही देख लो। ये तो 1 रुपए वाला जल जीरे के पाउच लग रहे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मतलब ये व्लॉग मैं एक बार पहले भी शूट कर चुका हूँ लेकिन ऑडियो प्रॉपर नहीं आ पा रहा था, इस वजह से आज दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। आज भाई ने ऑडियो के लिए माइक लगा लिया, मतलब माइक काफी टाइम से रखा हुआ था, बोया का M1, मोबाइल अपडेट नहीं हुआ था तो काम ही नहीं कर रहा था। आज लगा के देखा, मस्त चल गया, आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, सुनी रहो अभी आप तो अपना काम मस्त हो जाएगा, अभी ऑडियो एकदम चकाचक सुनाई देगी। हाँ, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो कल मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट स्वाइप कर रहा था तो एक एड आया, जिस कंपनी का एड आया मैंने उसके बारे में देखा, उस पर लिखा हुआ था यूज़ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फॉर फ्री एज अ ट्रायल। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो चेक कर लेना चाहिए क्या जा रहा है। मतलब लालच जो चीज़ होती है ना, एक लालच, वही लालच मेरे अंदर जागा, पैसा ही पैसा होगा। मैं गया उस पर, चेक किया उसको, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें देखा कई सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने दिए हुए थे। मतलब जैसे साइन अप करोगे आपको आपको 6 पॉइंट मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पॉइंट यूज़ होते हैं। जैसे कॉफ़ी ऑर्डर किया तो 1 पॉइंट, डीओ ऑर्डर किया तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का होगा। मैंने 3-4 प्रोडक्ट ऑर्डर किए, जैसे ही मैं पेमेंट का ऑप्शन आया तो वहाँ लिखा हुआ था कि शिपिंग चार्ज आपको भरना है, 199 रुपीज शिपिंग चार्ज आपको भरना है, उसके बाद ये प्रोडक्ट आपके घर पे भेजा जाएगा। और ये आपको 199 रुपीज कैशबैक देने का वादा भी करते हैं और देते भी हैं वॉलेट में, लेकिन ये कैशबैक आप तभी रिडीम कर पाओगे जब आप कम से कम 1,000 रुपए की शॉपिंग करोगे, अदरवाइज ये कैशबैक बेकार है। तो मैंने कर दिया ओके, 28 अप्रैल के आसपास ऑर्डर किया था और डिलीवरी डेट बता रहा था वो 3 मई या 4 मई। तो मैं कहा ठीक है, वेट करके देखते हैं। मैं 2-3 दिन तक उसको चेक करता रहा तो धीरे धीरे डेट आगे बढ़ रही है, अब डिलीवरी की जो डेट है वो 4 मई हो रही है, 5 मई हो रही है। मेरा दिमाग खराब होने लगा, मैंने कहा यार कर क्या रहे हैं ये लोग, डेट आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट में बोल दें कि सीरियस ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, लेकिन पार्सल आया, इतनी खुशी। 5 मई को डिलीवर हुआ और पार्सल के अंदर क्या निकला वो आप खुद ही देख लो। अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही शूट कर ली थी और उस वक्त माइक यूज नहीं किया था, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, एकदम पता नहीं माइक्रोफोन क्या चीज के हवा हवा कैच कर रहा था। अभी मैं अनबॉक्सिंग की डबिंग करने वाला हूँ, एक बार अनबॉक्सिंग देख लो आप। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बॉक्स में क्या है चलिए देखते हैं इसको अनबॉक्स करके। ये तो लेडीज लोग का बटवा लगता है रे। देखते हैं कोई डॉलर वाले छुपा के, पैसा ही पैसा होगा। नहीं, कोई माल वाल नहीं है इसमें, फिर अपने किसी काम का नहीं है ये। इसको पटकते हैं साइड में, देखते हैं और क्या है इसके अंदर। ये क्या, ये तो 1 रुपए वाला जल जीरे के पाउच लग रहे हैं। इतने छोटे छोटे क्रिस्टोफर का चॉकलेट चॉकलेट पाउडर है, मुझे लगा बड़े से आएंगे, ये तो बहुत छोटे हैं यार। ये एक क्रेडिट कार्ड होल्डर है, इसके अंदर क्या फल फ्रूट सजे हुए हैं? नहीं। देखते हैं, ओके इसमें तो एक डीओ निकला यार मस्त सा, एक प्याज का तेल, मामा अर्थ प्याज का तेल। हम मामा अर्थ वाले मारेंगे मेरे को, मार साले का, खोपड़ी तोड़ साले का। और ये पन्नी रखने का अपन को, ये भी काम आएगा, पैसा खर्च किया अपन ने इतना, ये क्या काम आएगा अभी दिखाता हूँ। खुशबू तो मस्त आ रही एकदम इसकी यार। चलो इसमें पैसा वसूल हो गया। क्या लिखा हुआ इस पे? पोर होम POUR। आई डोंट नो के ये, आई नीड। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं, कमेंट करके बताना है नीचे। और मामा अर्थ का जो हेयर ऑयल है वो इतना छोटा सा छुटकू सा, मतलब 25 ml का सैंपल है। ये तो अच्छा हुआ कि ये जो डीओ था ये थोड़ा फुल साइज का निकला, तो मुझे लगा कि चलो यार पैसा तो वसूल हो गया। अगर जो इस साइज का होता ना ये डीओ भी, तो कसम से मैं ये चप्पल खींच के मारता हूँ उन एप्लीकेशन वालों को। लेकिन ये चीज़ सही रही कि फ्रॉड तो नहीं हुआ, कम से कम चीज़ें उन्होंने भेजी सैंपल के तौर पे। और मैंने कल वो ट्राई किया, ये जो छुटकू सा जो ये हॉट चॉकलेट है, दूध गर्म करने का ऐसे और उसमें डाल के इसको घोल के मिला के पी जाने का। नाइस। तो इसका टेस्ट बिल्कुल एकदम ना बॉर्नविटा जैसा लगा। तो मतलब कभी कभी ना हम लोग ना चाहते हुए भी शॉपिंग कर लेते हैं। मेरे को मालूम है सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स चेक करते रहते हैं कि कोई डिस्काउंट आया अच्छा सा तो कोई डील ग्रैब कर लें। डिजिटल मार्केटिंग वालों की स्ट्रेटेजी बड़ी पावरफुल है यार, मानना पड़ेगा। मतलब हम लोग ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ को देखकर। और हमारा लॉकडाउन तो एक्सटेंड हो गया राजस्थान का, तो अभी मतलब 10 मई से 24 मई तक चला गया। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत छूट दे रखा था, अब तो वो पूरा पक्का वाला सब कुछ बंद वाला लॉकडाउन होने वाला है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वर्क फ्रॉम होम अपना बढ़िया चल रहा है इधर से,
और कुछ कंटेंट वंटेंट की प्लानिंग चलती रहती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं कैमरा खरीदने के बारे में सोच रहा था नया, बट अभी फिलहाल कुछ जुगाड़ बैठ भी नहीं पा रहा है। ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब बंद है उसका, ना अमेजोन फ्लिपकार्ट सब जितने भी वेबसाइट है सब ट्राई कर लिया, शॉपिंग साइट सब देख लिया खंगाल के, कोई डिलीवरी नहीं कर रहा। तो वो लोग सिर्फ एसेंशियल की डिलीवरी कर रहे हैं। तो अपन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी पोस्टपोन करते हैं प्लान, कैमरा खरीदेंगे लॉकडाउन के बाद। लोकल शॉप्स पे ट्राई किया, वो लोकल दुकान वाले बेचारे तैयार हैं देने को, कैश ऑन डिलीवरी करवा देंगे, बट अभी एकदम से अभी इतनी मोटी रकम उलझा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने कहा यार कोई नहीं, फोन आ गया किसी का, स्किप किया प्लान को मैंने, कोई नहीं पोस्टपोन कर देते हैं, लॉकडाउन के बाद खरीदेंगे। अभी फिलहाल के लिए माइक ने मस्त काम कर दिया, माइक था काफी टाइम से, बोया का M1 माइक पिछले लॉकडाउन में खरीदा था मैंने कुछ 800-900 रुपए का। मार्केटिंग वाले की स्ट्रेटजी होती है 400-500 रुपए का माइक है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले फ्लिपकार्ट देखा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगने वाला होता ना इन सब की कीमत बढ़ा देते हैं दुकानदार, मतलब भाई मौके का फायदा। जैसे लास्ट टाइम 2019 में जब लॉकडाउन लगा था तो ये 400-400 वाले माइक हो गए थे 800-900-1100-1100 रुपए बिके। नेक्स्ट वीडियो में एक मस्त वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया था मैंने, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ऑब्वियसली अपन ने मंगाया है तो कुछ मस्त ही मंगाया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दिया करो यार, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं। सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं लगते हैं, लाल कलर का बटन सब्सक्राइब को उधर जाके दबाओ, तोड़ डाला दो उसे दबा दबा के यार। क्या बढ़िया था गुरु, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और मस्त रहो यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ आमिर खान व्लॉग्स।